आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 3 पर्तर हिसाबी पद्धति 1, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 माल सामान हिसाब 1, और इंग्लिश में कहेंगे मटेरियल्स अकाउंट 1। इस चैप्टर में टोटल 3 मेथड है, जिसमें से मैंने मेथड नंबर 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर की मेथड नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 देख सकते हैं और इजीली सीख सकते हैं। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी ग्रुप्स के बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की, राइट। तो आज हम सीखेंगे मेथड नंबर 2, जिसका नाम है इन्वेंटरी कंट्रोल। इस मेथड को सीखने के लिए जनरली हमें कौन कौन से फॉर्मूला याद करने हैं, उस पर हम एक बार नज़र डाल देते हैं। तो पहली नज़र है यहाँ पे गुरुत्तम जत्थो, आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम लेवल, जो कि आपको हाईलाइट कलर में दिखाई दे रहा होगा, इसे आपको याद करना, राइट। फिर सेकेंड फॉर्मूला आपको याद करना होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यस, लघुत्तम जत्थो, जिसे हम कहेंगे मिनिमम लेवल, राइट ना। फिर आपको याद करना होगा वर्दी सपाटी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रीऑर्डर लेवल, अदरवाइज हम कहेंगे ऑर्डरिंग लेवल, राइट ना, ये रहा इसका आंसर। फिर हमें याद करना है भय सपाटी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेंजर पॉइंट, अदरवाइज डेंजर लेवल, राइट ना। एंड लास्ट वन आपको याद करना होगा वर्दी जत्थो, जिसे हम कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इस मेथड के सम नंबर 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मेथड नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, उसे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला और भी याद करना है, यस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सलामती जत्थो, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सेफ्टी स्टॉक, और ये रहा हमारा फॉर्मूला। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के सभी सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाए तो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में राइट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, दूसरों की भी हेल्प हो सके। इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को शेयर करना होगा, तो इस नॉलेज को सिर्फ अपने पास ना रखिए, सभी के बीच में शेयर करते रहिए। तो आज हम सीखेंगे आपकी बुक का सम नंबर 15 का ए, मेथड नंबर 2 सीखने के लिए आपको सम नंबर 15 ए से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम को अच्छी तरीके से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो आप अच्छी तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम नंबर 15 ए, नीचे ना महिती कॉमदी कंपनी लिमिटेड 2019 की डिटेल गिवन है। यहाँ पर पहला दिया ओछा में ओछू वपराश, इंग्लिश में लिखा होगा मिनिमम कंज्यूमशन आपका 50 यूनिट्स, आई होप आपको दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। वधु में वधु वपराश, इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम कंज्यूमशन 150 यूनिट का रहेगा। फिर यहाँ पे लिखे सामान्य वपराश, इंग्लिश में लिखा होगा एवरेज कंज्यूमशन, अदरवाइज नॉर्मल कंज्यूमशन लिखा होगा, कितना हमारे पास 100 यूनिट्स का। फिर यहाँ पे आर्थिक वर्दी जत्थो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी दिया हुआ 800, मेथड नंबर 1 में सॉल्व करना पड़ता था, बट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके दिया हुआ है। एंड लास्ट में दिया वर्दी मुदर, दैट मींस यहां पे टाइम दिया गया 4 to 6 वीक, यानी कि 4 से 6 अठवाड़िए का टाइम दिया है। तो आई होप आपने सम को रीड कर लिया, और ये सभी फॉर्मूले आपको सॉल्व करना होगा। तो एक एक करके सभी फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहां पर मैंने सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 लिख दिया है, जिसका नाम लिखा है वर्दी सपाटी, और इंग्लिश में कहेंगे रीऑर्डर लेवल। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब तक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर फॉर्मूले याद नहीं होते, जब आप इस टाइप के सभी सम्स को लगा लेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको सभी फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो वर्दी सपाटी का फॉर्मूला क्या है, वधु मा वधु वपराश इंटू वधु मा वधु समय, इंग्लिश में लिखा है मैक्सिमम कंज्यूमशन इंटू मैक्सिमम टाइम। चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम कंज्यूमशन कितना था, तो देखो यहाँ पे 2 नंबर की डिटेल में दिया है मैक्सिमम कंज्यूमशन कितना आपके पास 150 यूनिट्स का, और फिर क्या लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम, दैट मीन्स वधु मा वधु समय कितना। देखो यहाँ पे 2 समय, एक है 4 और एक है 6, तो दोनों में से ज्यादा कौन है, सर 6 है, तो वेरी गुड, तो आपको आंसर मिल चुका है। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए मैक्सिमम कंज्यूमशन के सामने वधु में वधु वपराश कितना है 150 इंटू मैक्सिमम टाइम, वधु में वधु समय कितना है 6, तो 150 इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है 900। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, बट फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। चलते सेकेंड फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, जिसका नाम मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है गुरुत्तम सपाटी, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम लेवल। फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल, जो कि आपने यहां पे सॉल्व किया था, राइट ना। रीऑर्डर लेवल में से आपको लेस करना है मिनिमम कंज्यूमशन इनटू मिनिमम टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मिनिमम कंज्यूमशन के साथ में मिनिमम टाइम का मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको लास्ट में ऐड करना होगा ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड गुजराती में कहेंगे वर्दी सपाटी, जो कि आपने यहां पे सॉल्व किया था, राइट ना, जो कि आपका आंसर आया था 900, माइनस करना है ओछो
उच्च वपरा, देखो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है बट आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना, आपको लॉन्ग कट लिखना है। ओछा में ओछू वपरास इंटू ओछा में ओछू सब सब कुछ आपके पास दिया है और प्लस लास्ट में आपको ऐड करना है वर्धी जत्थो। अभी हम वैल्यू को अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे रीऑर्डर लेवल, गुजरात में लिखा होगा वर्धी सपाटी, कितना आया था आपका आंसर सर 900, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए इक्वल करके 900 साइन कर दीजिए माइनस की। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे बिकॉज ऑफ क्या लिखा हुआ है, मिनिमम कंज्यूमशन इनटू मिनिमम टाइम, ओछा में ओछू वपराश गुणिया ओछा में ओछू समय। देख लेते हैं यहाँ पर मिनिमम कंज्यूमशन कितना है, देखो वन नंबर में लिखा है, ओछा में ओछू वपराश कितना है 50 यूनिट और वर्दी मिनट यहाँ पे टाइम दिए, चार और छह में कम कौन है सर चार, तो मिनिमम टाइम कितना हो गया 4, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 50 × 4। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। एंड लास्ट वन क्या लिखा है, प्लस EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस वर्दी जत्थो, तो यहां पर वर्दी जत्था कितना था देख लीजिए, यस यहां पे 4 नंबर में आपको दिख रहा है 800 यूनिट्स, तो आप यहां पे राइट कीजिए 800 राइट ना। चलते यहां पर 950 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 प्लस का 800, या तो आप क्या कीजिए 900 में से 200 लेस कीजिए कितना हो जाएगा 700, 700 में 800 लेस करेंगे प्लस करेंगे तो 1500 हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 900 में 800 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1700 और 1700 में से 200 लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला नंबर 2 रेडी हो चुका है जिसका नाम है गुरुत्तम सपाटी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट रह जाए तो आप इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में राइट करके बता सकते हैं, और हमारा वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है उससे भी आपको कमेंट बॉक्स में राइट करके बता। बहुत से लोग की कमेंट आती है सर बहुत कम कोर्स अपलोड हुआ, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यूनिवर्सिटी की एग्जाम तक आपका कोर्स कंप्लीट अपलोड हो जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। जितने भी वीडियो आपको देखने को मिलते सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और कहीं पे अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए, कोर्स रिगार्डिंग आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते थर्ड फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, यहां पर मैंने ऑलरेडी नाम लिख के रखा है, फॉर्मूले नंबर 3 का नाम है मिनिमम लेवल, गुजराती में कहेंगे लघुत्तम सपाटी। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लघुत्तम सपाटी का, रीऑर्डर लेवल जो कि आपने स्टेप नंबर 1 मेथड नंबर 1 यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 जो सीखा था वही रहेगा, यहाँ पर माइनस करना है आपको एवरेज कंज्यूमशन, ये आपके लिए एक नया वर्ड रहेगा एवरेज कंज्यूमशन इनटू एवरेज टाइम, गुजराती में कहेंगे वर्दी सपाटी जो कि फॉर्मूला नंबर 1 था उसमें से आपको लेस करना है सरेरास वपराश इनटू सरेरास समय। देखो यहां पर मिनिमम में दोनों जगह पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है, एवरेज वर्ड यूज हुआ है, इस तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि मिनिमम में दोनों जगह क्या आएगा एवरेज आएगा, गुजराती में याद कर सकते हैं आप सरेरास सरेरास राइट ना। तो वर्दी सपाटी आपके पास कितना आया था आपने देखा था फॉर्मूला नंबर 1 के अंदर, वर्दी सपाटी यानी कि रीऑर्डर लेवल कितना था 900, तो आप यहां पे रीऑर्डर के प्लेस पे राइट कर दीजिए 900 माइनस क्या करना है सरेरास बपरास, तो हमारे पास नॉर्मल कंज्यूमशन जो है आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, यस सर थर्ड नंबर पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 100 यूनिट्स राइट ना। तो आप यहाँ पे सरेरास बपराश यानी कि एवरेज कंज्यूमशन के प्लेस पे राइट कीजिए 100, फिर आप यहाँ पे साइन कीजिए मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखा है यहाँ पे एवरेज टाइम, गुजराती में दिया सरेरास समय, तो आपको इसे सॉल्व करना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार बनाकर फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, एवरेज टाइम इज इक्वल टू मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम अपॉन में 2, गुजराती में हम लिख सकते हैं मैंने लिखा नहीं है ओछा में ओछू वपराश प्लस बधु में बधु वपराश भाग्या 2, चेकआउट करते हैं हमारे पास तो दोनों टाइम गिवन है, यस सर डिटेल नंबर 5 के अंदर ओछा मोछू टाइम कितना 4 और वधु में वधु समय कितना 6, दैट मीन्स मिनिमम मैक्सिमम दोनों दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए मिनिमम टाइम 4 मैक्सिमम टाइम 6 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 6 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है 5। तो आई होप आप समझ गए कि एवरेज टाइम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टाइम को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ चुका है 5, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 5, लिखिए यहाँ पे 900, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500, 900 में से 500 लेस करेंगे और ये आ गया आपका आंसर फॉर्मूला नंबर 3 का मिनिमम लेवल, गुजराती में कहेंगे लघुत्तम सपाटी। आपके पास फॉर्मूला कोई भी नंबर आगे पीछे होंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको फाइव आप उस तरीके से लिख सकते हैं राइट ना। तो ये हो चुका है हमारा फॉर्मूला नंबर 3 मिनिमम लेवल। चलते नेक्स्ट फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे जिसका नाम मैंने दिया है यहाँ पर सेफ्टी लेवल, गुजराती में कहेंगे सलामती जत्थो। तो फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला में लिखा है मैक्सिमम कंज्यूमशन इनटू
मैक्सिमम टाइम में से आपको एवरेज टाइम लेस करना, अभी हाल आपने एवरेज टाइम सॉल्व किया था राइट ना। गुजराती में लिखा है वधुमा वधु प्लस इनटू वधुमा वधु समय में से आपको लेस करना होगा सरेरा समय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है कि सर मैक्सिमम कंज्यूम्पशन कितना है, अभी तो आपको याद हो भी चुका होगा बिकॉज ऑफ आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। डिटेल नंबर टू, वधुमा वधु वपराश मैक्सिमम कंज्यूम्पशन कितना है 150। तो आप यहां पर मैक्सिमम कंज्यूम्पशन के प्लेस पे राइट कीजिए 150। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। इक्वल टू लगा दीजिए इनटू ब्रेक इट क्लोज कीजिए और क्या करना है मैक्सिमम टाइम में से एवरेज टाइम लेस करना है। तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम वधुमा वधु समय कितना था 4 to 6 में, मैक्सिमम कौन है 6। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम टाइम के सामने लिखिए 6 माइनस सरेरा समय, एवरेज टाइम आपने सॉल्व किया था, एवरेज टाइम आपका कितना आ चुका था, ये रहा आपके पास यस एवरेज टाइम आपके पास आ चुका था 5। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए एवरेज टाइम के सामने 5, 6 में से 5 गया कितना आ जाएगा 1। वेरी गुड आंसर, 150 इंटू 1 करेंगे तो आपका आंसर आ चुका 150। तो आई होप यहाँ पे चारों के चार फॉर्मूला किस तरीके सॉल्व किया आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते रोज तो आपको पूरा अकाउंट आने लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं, बट उससे पहले ग्रुप में अपने सभी ग्रुप्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए बिकॉज ऑफ आपका एक टारगेट है, मैक्सिमम लोगों तक हमें हेल्प करनी है और सभी तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 5 क्या है हमारे पास, एवरेज स्टॉक लेवल, गुजराती में कहेंगे सरेरा सपाटी। फॉर्मूला क्या हमारे पास, मिनिमम लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करना है। गुजराती में लिखा है लघुत्तम सपाटी प्लस वर्दी जत्थो डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम लेवल आपने फॉर्मूले नंबर 3 में सीखा था, यस ये रहा फॉर्मूला नंबर आपका 3, आपको दिख रहा होगा यस सर। मिनिमम लेवल लघुत्तम सपाटी कितना आ चुका था 400। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 400, इसका आंसर बुक में थोड़ा रॉन्ग दिया है इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही आपको लिखना है। मिनिमम लेवल लघुत्तम सपाटी कितना आपके पास 400, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 400 प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक वर्दी जत्था कितना था आपकी बुक में चेकआउट करते हैं, यस सर डिटेल नंबर 4 में दिया 800 यूनिट। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 800 और डिवाइड किससे करना है 2 से डिवाइड करना। अब तो आप स्मार्ट है ही ना, तो यहाँ पे इक्वल टू 400, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 400, 400 प्लस 400 आपका आंसर आ चुका 800। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपने पांचों फॉर्मूले अच्छी तरीके से देख लिए होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और ये कंप्लीट होती इस चैप्टर की मेथड नंबर 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। तब तक इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स के बीच में शेयर कर दीजिए।